तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रसगुल्ले की रेसिपी। ये रसगुल्ले आप किसी भी दूध से बना सकते हो, ये एकदम मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे और बहुत रसीले बनेंगे। तो रेसिपी पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बर्तन में गैस पर 1.5 लीटर दूध रख दिया है। अब दूध को हम उबाल लेंगे, लेकिन उबालते वक्त हमें इसे कंटिन्यू चलाना है, इस पर हमें मलाई नहीं जमने देनी है। तो दूध अब उबलने लग चुका है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट तक ठंडा कर लेंगे। एक मिनट बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ नींबू का रस और पानी। मैंने 2 चम्मच नींबू के रस में 2 चम्मच पानी मिला लिया था, वो धीरे धीरे करके हमें डालेंगे। दूध को हमें अच्छी तरह से फाड़ना है। दूध जो है वो धीरे धीरे अब फटना शुरू हो जाएगा। दूध अब यहाँ पर पूरी तरह अच्छी तरह से फट चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, उसके ऊपर एक मैं छन्नी वाला बर्तन रख दे रहा हूँ और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दे रहा हूँ। अब इसमें हम दूध को छान लेंगे। इसे हमें ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्का हल्का छान लेना है। उसके बाद हम इसमें ठंडा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। इसके वजह से जो नींबू का खट्टापन है वो भी कम हो जाएगा। इसे ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्का हल्का छान लेना है। अब हम कपड़े को दबा कर हल्का हल्का पानी निकाल लेंगे। बस 1-2 बार ही हमें दबाना है, हमें इसे ज़्यादा दबा कर पूरा पानी नहीं निकालना है। रसगुल्ले में थोड़ा सा पानी होना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर हम कुछ भी भारी सामान रख के इसे 10 मिनट रखने देंगे। 10 मिनट बाद अब हम छेने को अलग कर लेंगे। इसे मैं अब एक प्लेट में निकाल रहा हूँ। इसे अब हम हाथों से दबा कर एकजुट कर लेंगे। इसके सारे दाने टूटने चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कॉर्न स्टार्च 1 छोटा चम्मच। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। कॉर्न स्टार्च को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। अब जिस साइज का बॉल बनाओगे उससे ये डबल हो जाएगा। अब हम इन सारे बॉल्स को गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। अब मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है, उसमें मैं डाल रहा हूँ शक्कर और पानी। अब हम पानी को अच्छी तरह से उबलने देंगे। पानी अब उबलने लग चुका है, गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। इसमें अब हम एक एक करके रसगुल्ले डालेंगे। इसे आप एक साथ मत डालना, पानी के जो बुलबुले हैं वो रहना बहुत ज़रूरी है। पानी उबलता होना ही होना चाहिए, तो इसलिए आप आराम आराम से एक एक करके डालना। सारे बॉल्स डाल लेने के बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसे ढककर 20 से 25 मिनट तक उबाल लेंगे। हमें पूरा नहीं ढकना है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है। अब यहाँ पर 20-25 मिनट हो चुके हैं।
रसगुल्ले भी बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इसे 5 से 10 मिनट और पका लेंगे। पानी अगर कम पड़ रहा हो तो आप गर्म पानी भी डाल सकते हो। रसगुल्ले अब बनकर बिल्कुल तैयार है। इनकी साइज़ भी डबल हो चुकी है और ये बहुत स्पंजी भी बने हैं। तो अब हम इसे ढककर ठंडा होने देंगे। ये रसगुल्ले जो है वो बहुत ही रसीले बने हैं और ये एकदम मुंह में घुल जाने वाले बने हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।